भारत जोड़ो यात्रा को लेकर रुड़की के एक होटल में कांग्रेस नेताओं के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस नेता पीके अग्रवाल ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी का दौरा नहीं रहेगा। वहीं उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा को उत्तराखंड के स्थानीय नेताओं के द्वारा आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि देश भर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत इसकी कर चुके हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड में भी माड़ा गांव से भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन हो चुका है और द्वितीय चरण हरिद्वार के पौड़ी से कल शुरू होगा। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता करके इसकी जानकारी दी है। रुड़की से राहुल सैनी की रिपोर्ट। जोड़ो यात्रा के लिए मुझको रुड़की ग्रामीण का प्रभारी बनाया है, मैं उसके लिए पार्टी हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा निकाल रहे हैं, 3500 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा होगी। मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी जी के बाद अगर कोई पदयात्रा पूरे देश के अंदर निकली है तो राहुल गांधी जी की इतनी बड़ी लंबी यात्रा है। उत्तराखंड 5-6 चरणों में यहाँ की यात्रा होगी। पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र में एक साथ यात्रा को पूरा करना मुश्किल होता है। प्रथम चरण हमारा माणा से हुआ था, सेकंड चरण हरिद्वार की हर की पेड़ी से हो रहा है 6 दिन का। इसी तरह से हम लोग उत्तराखंड को 4 हिस्सों में बांट करके कुछ दिन बाद उसको हम अलग तरीके से रहता, तो हर गांव में हर ब्लॉक में इस यात्रा को हम लोग निकालेंगे और जन चेतना लाएंगे।